जो इंतजार सभी को था कि पीएम मोदी जब वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पहुंचेंगे, और देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट कास्ट कर लिया है, अपने जिम्मेदारी को उन्होंने निभा लिया है। जो एक मताधिकार का प्रयोग करना होता है उन्होंने इसे इसका प्रयोग किया, और अब वो वहाँ से वापस जा रहे हैं और सबसे मुलाकात करते हुए सभी काफ़ी खुश भी हैं क्योंकि पीएम मोदी वहाँ पहुँचे। और जैसे कि हमने आपको बार बार मैं बता भी रही हूँ कि कभी कभी मौका मिलता है जब ऐसे मौक़ों पर आप मुलाकात कर पाते हैं, और एक एक करके पीएम मोदी जो है अब देखिए वापस वोट कास्ट करने के बाद बाहर निकल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटरों से भी मिल रहे हैं जो वहाँ पर वोट डालने के लिए पहले से मौजूद हैं, और यही लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर है जिसका इंतज़ार किया जा रहा था। और अब देखिए पीएम मोदी वोट कास्ट करके वापस निकल रहे हैं, और ये संदेश सभी लोगों को जागरूक करने के लिए कि आपको भी अपना वोट कास्ट करना है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड में लगातार आपसे अपील कर रहा है कि आज आपका दिन है, आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है और अपना वोट ज़रूर कास्ट करना है। अब पीएम मोदी को आप देख पा रहे हैं ये वापस अब जा रहे हैं, आज पीएम मोदी के कई सारे कार्यक्रम भी होने हैं, कई जगह पर चुनावी रैली को वो संबोधित भी करेंगे, और अब देखिए इत्मीनान से वो सभी से मुलाकात कर रहे हैं, सभी का अभिवादन जो है वो स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का ही इंतज़ार यहाँ पर लोग पहले से कर रहे थे। और आज कई सारे पीएम मोदी के कार्यक्रम भी होने हैं। आपको बता दें लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के चुनाव के दरमियान कई सारी जनसभाओं को संबोधित किया, एक एक दिन में करीब करीब 4 से 5 जनसभा करते हैं, 4 से 5 रोड शो करते हैं। अगर अभी आप पीएम मोदी को बिहार में देखें तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे वो यूपी पहुँच चुके हैं, यानी कि पूरे देश में जहाँ जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है एनडीए के पक्ष में माहौल बनाना होता है वहाँ पीएम मोदी का रोड शो होता है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज कुछ दिन के बाद पीएम मोदी जो है बिहार में भी पटना में भी पहली बार रोड शो करने वाले हैं, तो उसकी भी तैयारी चल रही है क्योंकि पटना में जो है रोड शो के जरिए एनडीए के पक्ष में वोट की अपील पीएम मोदी ज़रूर करेंगे। अलग सा माहौल होता है जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, और देखिए किस तरीके से पीएम मोदी के स्वागत के लिए उनके अभिवादन के लिए वहां पर लोग जो है पहले से मौजूद हैं, और इसीलिए पीएम मोदी भी जानते हैं कि जो लोग हैं वो उनके इंतज़ार में थे, और इसीलिए पीएम मोदी भी उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, और देखिए हाथ में वो स्याही लगी हुई, जो उनकी उंगली में स्याही लगी है वो दर्शक वो दिखा रहे हैं, ये दिखाया जा रहा है कि हमने अपना वोट कास्ट कर लिया। और यही हम आपको बता दें आपको भी इसी तरीके से वोट कास्ट करने के बाद अपनी नीली स्याही के साथ आपको तस्वीर खींचनी है और ये तस्वीर न्यूज 18 के साथ साझा करनी है ताकि हम वो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। और देखिए पीएम मोदी भी यहाँ पर सभी को अपनी उंगली दिखाते हुए जिसमें वो स्याही लगी हुई है, वो स्याही जो दर्शाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट कास्ट कर लिया है। लोगों में उत्साह काफ़ी ज़्यादा है पीएम मोदी के पहुंचने पर, और इसलिए बहुत सारे लोग देखिए यहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे हैं, और अक्सर देखने को मिलता है जहाँ भी पीएम मोदी पहुंचते हैं वहाँ पर लोगों का उत्साह चरम पर होता है, प्रधानमंत्री का स्वागत गजब तरीके से किया जाता है, कार्यकर्ताओं में अलग रंग भर देते हैं पीएम मोदी, अलग जोश भर देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसीलिए उनके पहुंचने पर अगर वो पहुंचने वाले हैं तो उन्हें देखने के लिए उन्हें सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। और ये देखिए जैसे कि हम आपको पहले भी दिखा रहे थे कि पीएम मोदी ने सभी को ऑटोग्राफ भी दिया, तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जो है उन्हें भेंट स्वरूप कुछ लोगों ने उनकी तस्वीरें देने की कोशिश भी की और उनका ऑटोग्राफ भी लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी स्याही लगी उंगली को दिखा रहे हैं और सबको मोटिवेट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आपको भी अपने दायित्व का निर्वहन करना है, वोट कास्ट करना है। और अब यहां से पीएम मोदी जो हैं वो चले जाएंगे क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि पीएम मोदी के कई सारे कार्यक्रम भी हैं, तो इसी बीच